मटन खिचड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है आधा किलो मटन का गोश्त, जिसको मैंने साफ धो लिया है, और 300 ग्राम लिए हैं मैंने जौ, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगोया है, और भिगोने के बाद ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आप इसको हाथ से तोड़ें तो ये आराम से टूट जाए। अगर आप इसको अच्छे से भिगोएंगे तो ये जल्दी पक जाएगा। और 300 ग्राम ही यहाँ मैंने लिए हैं गेहूँ, इनको भी मैंने 5 से 6 घंटे भिगोया है और इसको साफ धो लिया है। अब इसको अगर हम इसको प्रेस करके देखेंगे तो देखिए ये आसानी से टूट रहा है। और 100 ग्राम मूंग की दाल, जिसको मैंने 1 घंटा भिगोया है, 100 ग्राम मसूर की दाल, इसको भी मैंने 1 घंटा भिगोया है, 200 ग्राम चने की दाल, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलने में टाइम लेती है तो यहाँ मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगोकर साफ धो लिया है, 100 ग्राम ली है उड़द की दाल, इसको भी मैंने 1 घंटा भिगोया है, और 100 ग्राम ही यहाँ मैंने लिए हैं देसी चावल, इसको भी मैंने 1 घंटा भिगोकर साफ धो लिया है, और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, और दोनों को पेस्ट को मैंने मिक्स कर लिया है, 2 टीस्पून चाट मसाला और लंबाई में कटा हुआ अदरक, और खिचड़े को गार्निश करने के लिए हरा धनिया लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च मोटी कटी हुई, 2.5 स्पून हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर इसमें ज्यादा डलता है, 4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून लिया है गरम मसाला, और कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 4 छोटी इलायची ली है जिसको मैंने बीच से तोड़ लिया है, और 10 से 15 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 जावित्री ली है, 2 बड़ी इलायची ली है जिसको मैंने बीच से तोड़ लिया है, बीच से तोड़कर कोरमे में डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, और 2 से 3 स्टिक ली है दालचीनी की, और 3 पत्ते लिए हैं तेजपात की, और 4 प्याज ली है मीडियम साइज की, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, 1 नींबू लिया है खिचड़े को गार्निश करने के लिए, इसको मैंने राउंड शेप में काट लिया है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे हम खिचड़े को बनाने के लिए, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और पानी का यूज करेंगे हम खिचड़े को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे गेहूं, फिर डालेंगे जौ, और इसी में डालेंगे हम चने की दाल, और इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, और 1 पत्ता हम तेजपात का डालेंगे इसमें, और 3 से 4 काली मिर्च, और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे ताकि जौ चने की दाल आराम से इसमें डूब जाए और गल जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ प्रेशर कुकर बंद कर देंगे, और इसको हम फुल फ्लेम पर 3 विसल आने तक पकाएंगे, और 3 विसल में ये गल जाएगा। लेकिन अगर आपने जौ गेहूं को कम टाइम के लिए भिगोया है तो आप 3 विसल आने के बाद चेक कर लें, अगर आपको लगे कि जौ नहीं गला है तो आप इसको 1 विसल आने तक और पका सकते हैं। तो इतने जौ गेहूं और चने की दाल गल रहे हैं तो हम दूसरे प्रेशर कुकर में दालों को पकाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे चावल, फिर डालेंगे मसूर की दाल, फिर डालेंगे उड़द की दाल, फिर डालेंगे मूंग की दाल, फिर डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, 1 तेजपात, 2 से 3 काली मिर्च, और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। हम इतना पानी डालेंगे ताकि दालें आराम से गल जाएं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पर प्रेशर कुकर रख देंगे, और इसको 2 विसल आने तक पकाएंगे, और 2 विसल में ये दाल पक जाएगी, तो इसको 2 विसल आने तक पकने देते हैं, और उसके बाद हम इसको खोलकर चेक करेंगे। 3 विसल आने के बाद हमने प्रेशर कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और इधर हमारी दाल को 2 प्रेशर आ चुके हैं, और इसको भी हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम दोनों को खोलकर चेक कर लेते हैं। तो इसको पहले हम हल्का सा चलाएंगे और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए गल चुके हैं,
अब इसको क्योंकि ये ज्यादा है और इसमें पानी ऐड करेंगे तो कुकर में ये पूरा पक नहीं पाएगा, तो इसको हम बड़े भगोने में निकाल लेंगे। और यहाँ अब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे और यहाँ हम दालों को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दालें भी गल चुकी हैं। अब दालों को और जौ को हम इस भगोने में निकाल लेंगे। तो यहाँ हम पहले इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों प्रेशर कुकर के दाल, चावल और जौ एक बड़े भगोने में निकाल लिया है। अब हम दोबारा गैस ऑन करेंगे और इस भगोने को इस पर रख देंगे और अब हम उसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से घुट जाए, क्योंकि हमें इसको अभी और पकाना है तो इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। तो पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में इसको हल्का सा मैश भी करते जाएंगे स्पून की सहायता से। और अभी इसमें हम पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये काफी देर पकता है, तो अभी हम इसमें एक उबाल आने देते हैं। और एक उबाल आने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट या 25 मिनट स्लो आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ मैंने इसमें 1.5 जग पानी डाला है इसको सही से पकाने के लिए। तो यहाँ हम अभी इसमें उबाल आने देते हैं। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और आप जब इसको पकाएं तो आप इसको बीच बीच में चलाते भी रहें क्योंकि बीच में से तले में लग जाता है। अब हम इसको दूसरे गैस पर शिफ्ट करेंगे और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो कर देंगे और लो आंच पर इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ मैं ये वाला गैस ऑफ कर देती हूँ और यहाँ हम दूसरा गैस ऑन करेंगे और इस पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे और यहाँ हम इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ हम दूसरे गैस पर गोश्त बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ गैस ऑन करेंगे और इस पर प्रेशर कुकर गर्म होने के लिए रख देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और यहाँ हम तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने 4 प्याज ली थी उसमें से लगभग 3 प्याज हम इसमें ऐड करके फ्राई करेंगे और 1 प्याज हम बचा लेंगे खिचड़े को फ्राई करने के लिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए यहाँ प्याज हल्की सी फ्राई हो रही है और इधर जो हमने खिचड़ा रखा हुआ है पकने के लिए इसको भी हम बीच में चला देते हैं ताकि ये जले नहीं। तो देखिए ये स्लो आंच पर पक रहा है। अब इसको हम दोबारा ढक देंगे और इसको भी हम पकने देते हैं। और इधर हम प्याज भी चेक कर लेंगे। तो देखिए अभी ये पूरी तरह से फ्राई नहीं हुई है तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम यहाँ गैस ऑफ कर देंगे और यहाँ हम थोड़ी सी प्याज प्लेट में अलग निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा फैला देंगे और थोड़ी सी प्याज हम प्रेशर कुकर में ही रहने देंगे। तो यहाँ हम दोबारा गैस ऑन करेंगे और इस पर प्रेशर कुकर रख देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे सभी खड़े गरम मसाले और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप मटन को फ्राई करें तो आप यहाँ पर फ्लेम हाई कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतने यहाँ गोश्त फ्राई हो रहा है, हम दूसरी तरफ खिचड़े को भून कर चेक कर लेंगे। तो देखिए ये धीमी आंच पर पक रहा है, इसको अच्छे से स्पून की सहायता से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसको हल्का सा हाथों से मैश करेंगे और मैश करके हम इसको भगोने में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर गोश्त भी फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर जो हमने बचा कर रखा था वो भी इस टाइम हम इसमें सारा डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए हम इसको 1 से 2 मिनट बिना पानी डाले ऐसे ही भून लेंगे और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा मैं अभी डालूंगी और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए बचा लूंगी। और डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च
और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, और पानी हम उतना डालेंगे जितने में गोश्त गल जाए। तो यहाँ मैं लगभग इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ मैं प्रेशर कुकर बंद करके इसे फुल फ्लेम पर 5 विसिल आने तक पकने दूंगी, और 5 विसिल आने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि गोश्त गला है या नहीं। अगर आपको लगे कि 5 विसिल के बाद गोश्त नहीं गला है तो आप इसको 1 विसिल और लगा सकते हैं। 5 विसिल आ चुकी है और गैस हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम गोश्त को खोलकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पहले हम इसको चलाकर चेक करेंगे कि गोश्त गला है या नहीं। तो देखिए गोश्त पूरी तरह से गल चुका है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसालों से तेल अलग हो जाए। तो यहाँ गैस ऑन करेंगे और इसको हम भूनेंगे। तो देखिए यहाँ गोश्त भुन चुका है और गोश्त से तेल भी अलग हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस ऑफ कर देंगे और यहाँ जो हमने दूसरी तरफ खिचड़ा रखा है इसमें हम ये भुना हुआ गोश्त ऐड करेंगे। तो आप बड़ी सावधानी से इसको इसमें शिफ्ट करें क्योंकि ये अभी पक रहा है और कुकर हमारा गर्म है, तो हम इसको बड़ी सावधानी से इसमें डालेंगे। और गोश्त डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए ताकि मसाले और गोश्त खिचड़े में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ इसका टेक्सचर ऐसा है। अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो गोश्त को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसको हम चमचे की सहायता से मैश भी करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिल जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। उबाल आ चुका है और ये बहुत अच्छे से पक चुका है और दालें भी आपस में मैश हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम इसको रख देते हैं और यहाँ हम गैस ऑन करेंगे। पर रखेंगे हम पैन और लगभग 1.5 स्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 1 प्याज जो हमने बचा ली थी फ्राई करने के लिए, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम यहाँ गैस ऑफ कर देंगे, इससे हम खिचड़ा फ्राई करेंगे। और इसी पे हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको हम ढककर रख देते हैं 1-2 मिनट के लिए ताकि इसमें हरे धनिया और प्याज का फ्लेवर अच्छे से आ जाए, और उसके बाद हम इसको डिश में निकाल कर सर्व करेंगे। अब इसको मैं गार्निश करूंगी हरे धनिए से और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, और इस पे डालेंगे हम फ्राई की हुई प्याज, और इस पर रखेंगे नींबू की स्लाइस। तो लीजिए खिचड़ा बनकर तैयार है।